हर इंसान अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहना चाहता है। स्वस्थ और खुश रहने के लिए जरूरत होती है अच्छे खानपान और साथ ही अच्छे नींद की। स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी हेल्दी खानपान है उतना ही जरूरी नींद भी है। जी हाँ, अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं तो आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। नींद पूरी ना होने से सिर्फ मूड ही चिड़चिड़ा नहीं होता बल्कि इससे हार्ट अटैक और पेट संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। ये बात कई रिसर्च में भी सामने आ चुकी है कि नींद में किसी भी तरह की बाधा सीधा हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। कुछ प्रॉब्लम्स के लक्षण तो साफ तौर पर नजर आते हैं लेकिन कुछ के नहीं भी नजर आते, जिस वजह से हमें समय रहते इनका पता लगा लेना काफी जरूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफी जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वैसे लोग जो 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना नहीं लेते हैं उनका बुढ़ापा भी काफी जल्दी दस्तक दे सकता है। इसके अलावा नींद कम लेने से शरीर पर क्या कुछ असर होते हैं इस बारे में भी आइए जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर के लिए जरूरी नींद नहीं लेता है तो उसके ब्रेन टिश्यूज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है और सोचने और समझने की क्षमता भी घटने लगती है। इसके अलावा कम नींद लेने के और भी दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि नींद की कमी से शरीर में एनर्जी ही नहीं रहती, हर वक्त व्यक्ति थकान महसूस करता है। इसके अलावा नींद की कमी का लक्षण भी शरीर पर दिखाई देता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कम नींद ले रहा है तो उसका मूड खराब हो जाता है, व्यक्ति के मूड में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये चीजें हेल्थ को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगर बात नींद के अन्य दुष्प्रभावों की करें तो इसका असर पाचन सिस्टम पर भी पड़ता है। जिन लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है या फिर किसी कारण से व्यक्ति भरपूर नींद नहीं लेता है तो इससे उस व्यक्ति को कब्ज की समस्या भी होने लगती है। इसके अलावा कम नींद लेने से बुढ़ापा जल्दी दस्तक देता है, ऐसा भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटों की भरपूर नींद लें, क्योंकि भरपूर नींद आपको अगली सुबह तरोताजा होकर उठने में मदद करता है। इसके साथ ही हम आपको यहाँ ये बता देना चाहेंगे कि इस वीडियो में बताए गए विचार एवं सलाह सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इस पर अमल करने या फिर इसे प्रयोग में लाने से पहले आपको अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।